हेलो गाइस, सरपंच के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा पांडे आप सभी को अभी अपने गांव का दृश्य दिखा रही हूँ। और अभी जो है शाम के 5-4 बजे हैं, 4 बज रहा है सॉरी। और आसमान में जो है बादल आप देख सकते हैं, इसके पूरे आसार दिख रहे हैं। आसमान जो है पूरा बादलों से घिर चुका है, पूरी चारों ओरों से। और अब मैं ले चलती हूँ आपको अपनी बागवानी की तरफ। ये देख सकते हैं आप, ये है हरी हरी लाई और इसमें हमने बोई है मूली, जिसकी अभी जड़ें जो हैं बड़ी उगी हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से, ये हमने बहुत पहले लगा दी थी। और जो हमारे पहले आपको हम दिखाते थे हमारे बेल वगैरह, जिसमें हमारी लौकी कद्दू और तोरी वगैरह लगती थी, आप देखिए सूख के पूरी ख़त्म हो चुकी हैं। आप जो हम इसे निकाल के गाय को खिलाएंगे, गाय से अच्छे से खाती है। और हमारे पूरे खेत में जो है लाई है, इस तरह से जो है हमने लाई बोई थी। इसमें गडेरी भी है, अभी हमने खोदी नहीं है। और ये है हमारा कंपोस्ट पिट, अब हम इसमें जो है गोबर डालेंगे। उसके बाद जो है ये गोबर खाद के रूप में तैयार हो जाएगी पक के बाद में, आप देख रहे हैं इस तरह से। उसके बाद जो है हम इसे सब्जी के लिए इस्तेमाल करेंगे, जब हम सब्जी लगाएंगे उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसे। लौकी की जो है बेल ख़त्म तो हो रही है, अब सूख गई है, लेकिन हल्की फुल्की लौकी जो है हम लोग खा ही ले रहे हैं 3-4 दिन में। इस तरह से लौकी अभी हो ही रही है। और बहुत पहले 1-1.5 महीने पहले हमने आप एक ब्लॉग बनाया था मैंने, जिसमें हम लहसुन लगा रहे थे, लेकिन अब आप देख सकते हैं हमारा लहसुन इतना बड़ा हो चुका है ये। और इस खेत में जो है हमने आलू बोए हैं। और ये है हमारा कागजी नींबू का पेड़, जिसमें पेड़ तो, लेकिन नींबू जो है अब सब गिर जा रहे हैं, पता नहीं क्या बात है। और ये है हमारा थांग, किसका है, गोभी का। आज जो है हम इसी को लगा रहे हैं पूरे पॉली हाउस के अंदर। ये देख सकते हैं आप, हमने अपना पॉली हाउस तैयार किया था, सुबह से लगे थे, गोबर डाल के पूरी खुदाई करी उसकी। उसके बाद जो है अब पूरा तैयार हो रहा है वो, और अब हम लगा रहे हैं। अब आपको हम दिखाते हैं। और ये गोभी जो है हमने बहुत पहले लगा ली थी, मतलब 8-10 दिन पहले। ये देखिए इस तरह से, ये देख सकते हैं आप, ये इस पूरे खेत में जो है हमने गोभी लगाई है, फूल गोभी, बंद गोभी, और कहीं कहीं पे जो है ये धनिया भी ऐसे उग गया है। और ये खेत है हमारा आलू का, आप देख सकते हैं हमारे आलू के पौधे छोटे छोटे उग चुके हैं। और ये है हमारी शिकारी बिल्ली, ये दिन के 3-4 चूहे मार ही देती है, इसे देखिए। ये इसके आने से जो है हमारा बहुत पहले बहुत नुकसान होता था, जब से हमारी ये बिल्ली आई है घर में तब से जो है चूहों का आतंक बिल्कुल समाप्त हो चुका है। और ये गडेरी पांडे जी ने खोदी है, लेकिन खेतों में ही इसी तरह से डाली हुई है ये। और अब मैं ले चलती हूँ आपको हमारे पॉली हाउस के अंदर, जहाँ सरपंच जी जो हैं काम कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कुदाल, बाल्टी, और ये जो हैं गोभी के पौधे जो हैं लगा लिए हैं इन्होंने। लगा दिए पेड़? हाँ लगा रहा हूँ। बड़े हो गए ना काफी? हाँ काफी बड़े और अच्छे हो रखे हैं। और लगा रहे हैं इसमें। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है गोभी के पेड़ जो है लगा रहे हैं ये। पहले पानी डाला, पहले गड्ढे बनाए, उसके बाद पानी डाल के फिर पेड़ों को जो है लगा रहे हैं। इससे नमी बनी रहेगी और पेड़ जो है मुरझाते नहीं है। और अभी जो है शाम का टाइम भी है, तो इसकी वजह से पेड़ हरे भरे रहेंगे। ये देखिए जैसे पेड़ है, यहाँ से पकड़ा इसको और इस तरह से इसको यहाँ पे जमीन के अंदर कनेक्ट कर दिया, ये देखिए, और इसको ऐसे दबा दिया, अभी लग गया। अच्छा स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग, सरपंच जी के ब्लॉग में। और आपको इस तरह से पहाड़ों में बागवानी स्वरोजगार के बारे में हम दिखाते रहते हैं और दिखाते रहेंगे, बहुत अच्छा और मज़ा आता है काम करने में। इस तरह से अपनी सेहत भी बनी रहती है और अपने लिए ऑर्गेनिक सब्जी भी यहाँ पर हो जाती है। और इसके साथ साथ क्या है कि तो इस तरह से हम अपना अपनी दिनचर्या करते हैं। और ये है हमारी अंगूर की बेल, लेकिन अभी सूखी है क्योंकि पतझड़ हो रहा है।
आप देख सकते हैं ये जो है कश्मीरी अंगूर है। ये बिल्ली जो है अब यहाँ पहुँच गई मेरे पीछे, ये देखिए मेरे पास तीन वैरायटी की गोभी है, इसमें ब्रोकरी है, फूल गोभी और बंद गोभी है, और अभी मेरे पास लगभग 400-500 पेड़ बचे भी होंगे, मैंने तो लगा दिए हैं, थोड़ा और लगाऊंगा। अगर किसी को चाहिए होंगे तो आप बताना, आप तक पहुंच जाएंगे पेड़ फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी नर्सरी में, अपनी छोटी सी उसमें लगा सकते हैं इनको। और ये है हमारे ताई जी और ताऊ जी, ऊपर मांगे में जो है घास काट रहे हैं, इनकी अभी इतनी घास बची है, ये अपनी गाय के लिए ला रहे हैं घास। ये लौकी जो है अभी भी लगी रही है फिलहाल, आप देख सकते हैं इस तरह से हम जो है 4-5 दिन में खा ही लेते हैं एक लौकी की सब्जी। ये देखिए गाइस, ये है पूजा पांडे मेरी अर्धांगनी, देखिए कितने प्यार से गोभी के पेड़ों को लगा रही हैं। कैसा लग रहा है आपको लगाते हुए? अच्छा, मजा आ रहा है ना? ये देखिए बढ़िया तरीके से। और ये जो गोभी है ये लगभग फरवरी मार्च में रेडी हो जाती है और बहुत स्वादिष्ट होती है एकदम। इस तरह से लगा रही हैं इसको, देखो ये मैं पेड़ निकाल के लाया था, बाल्टी हमने रखी है ना, तो हाँ इसकी जड़ पे, अंगूर की बेल के जड़ पे भी अच्छी होती है यहाँ पर भी गोभी। देखिए ऐसे करके लगाया जा रहा है, अरे पेड़ को दिखाओ, अभी गाइस हम आपको कल को दिखाएंगे गडेरी जो हमारे वहाँ हुई है बहुत ज़्यादा। परसों मैंने मार्केट में तो उसको सेल आउट किया था, तो कल और हम उसको खोदेंगे वो और अदरक को, तो उसकी भी वीडियो में बनाऊंगा, आप देखेंगे और उसके बारे में पूरी मैं जानकारी दूंगा आपको इस अपने ब्लॉग के माध्यम से। अगर मैं मौसम की बात करूँ तो मौसम आज बादल छाए हुए हैं, देख सकते हैं आप सामने हिमालय दिखता है पूरा, सुबह पूरा दिखा था, अभी आप देख रहे होंगे थोड़ा थोड़ा दिखता है। ये हमारे यहाँ से लोकेशन आप देख सकते हैं, डायरेक्ट हिमालय की ठंडी हवाएं हमारे गांव में, हमारे खेतों में आती हैं। ये देखिए पेड़ हमारे लगे हुए हैं, तो वातावरण एकदम स्वच्छ सुंदर रहता है चारों ओर का, मैं दिखा रहा हूँ आपको इस तरह से। ये हमारे लूटे वगैरह आप देख रहे हैं, मैंने प्लांटेशन करी थी, आपको भी दिखाता हूँ। देखो ये पिछले साल लगाया था मैंने मैंगो ट्री, ये इतना बड़ा हो गया है, और इस बार मैंने लगाए थे लीची के पेड़, लीची और आम। तो आप भी देखिए ऊपर खेत में, वो उधर सामने आपको दिखाई दे रहे हैं इस तरह से। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, इस तरह से मैं आपको बागवानी की और इधर के टूरिज्म की वीडियो तरह तरह की दिखाते रहूँगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, धन्यवाद।